Hello, my dear parents. How are you all? I hope you all are fine. This is Sabir Rukhsar here, currently working as an RRB PO. I welcome you all to my YouTube channel. A question has been asked in the comment section many times Why did I leave Union Bank of India, which was a nationalized public sector or you can say commercial bank, and also when I got selected as SBI clerk later while working in Union Bank of India? Why? did i not join state bank of india so in this session we are going to discuss about my perspective regarding this matter and why i decided so and also i'll we'll discuss about the procedure of the resignation and moving from union bank of india to rrb okay so let's start the video so here we are going to discuss about the reasons why i left union bank of india and joined rrb po as you know in union bank of india i was working as a clerk i got selected there as an um, by ibps clerk okay so obviously the first thing which comes uh, to mind is आपने कितनी हार्डवर्क की है उस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए आपने एक जॉब में रहते हुए आर आर बी पी ओ पी ओ कैडर के लिए किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत मेहनत की हुई है सो द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू माइंड इज हार्डवर्क कि हमने इतनी जो हार्डवर्क की है प्री के लिए मेंस के लिए इंटरव्यू के लिए वो ऐसे ही तो नहीं की थी कि हम वही ऑर्गेनाइजेशन में स्टे कर जाएंगे है ना दूसरी ये रीज़न है कि हमारा कैडर अपग्रेड हो रहा है आई वॉज अ क्लर्क देयर एंड मेरा अपग्रेडेशन हो रहा था क्लर्क से पीओ में तो पीओ बनते ही रोल्स चेंज होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं हर कुछ इंक्रीज होता है इससे क्या होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है आप एक ही काम कर रहे हैं एज अ कैशियर एज अ क्लर्क लेकिन आम, पीओ बनकर आपको बहुत सारे काम करने होते हैं आपको बैंक्स में लोन देखना होता है आपको जनरल बैंकिंग भी देखना होता है सब कुछ देखना होता है एज अ पी ओ एज एन ऑफिसर ओके तो यहाँ पर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब इंक्रीज होती हैं तो खुद का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है एंड दैट वॉज माई इंटरेस्ट ओके ऑब्वियसली हम बात करते हैं पे इंक्रीज की इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आई वॉज अर्निंग अराउंड थर्टी के एंड ऑलमोस्ट सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट इंक्रीज हो जाता है आर आर बी पी ओ में वेयर आई शेल गेट इन हैंड फिफ्टी थाउजेंड और फिफ्टी वन थाउजेंड ओके एंड वी शेल ऑल्सो मेक आडियो ऑन आर आर बी पी ओ सैलरी एनलाइंस काइंडली वॉच इट ओके एंड फोर्थ पॉइंट जो आता है फोर्थ पॉइंट जो मेरा रीजन रहा है आर आर बी ज्वाइन करने का वो ये है कि इन आर आर बी यू गेट टाइम फॉर योर फर्दर स्टडीज आप कितना भी कंपेयर कर ले, लेकिन जो वर्क लोड होता है वो बाकी सारे बैंक से कम होता है जैसे जहाँ पर मैंने ज्वाइन किया है वहाँ पर देखिए फोर्थ तक तो कस्टमर टाइमिंग होती है उसके बाद जो है फाइव टू सिक्स भी सारे के सारे स्टाफ चले जाते हैं मैक्सिमम सेवन ठीक है बट इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आई देयर क्लर्क होते हुए भी आई हैव स्टेड देयर अप टू सेवन और समटाइम्स एट आल्सो एंड ऑफिसर्स नौ बजे तक भी बैठे हैं कई बार सो so, ये है कि आपको आरआरबी में थोड़ा सा आराम होता है एंड यू विल गेट टाइम फॉर योर फर्दर स्टडीज ठीक है तो ये मेरा एक रीज़न रहा है दूसरी बात ये है कि प्रमोशन यहाँ पर लोग कहते हैं कि आपको ऑफिसर स्केल वन से ऑफिसर स्केल टू में प्रमोट होने के लिए सिक्स इयर्स लग जाते हैं ये बिल्कुल सही बात है ये बिल्कुल हाफ जो है टाइम पीरियड होगा बाकी सारे बैंक्स में जैसे ऑफिसर वन से ऑफिसर टू ऑफिसर स्केल टू बन जाते हैं बाकी सारे बैंक्स में लगभग थ्री ईयर्स में ठीक है इंटरनल एग्जाम्स के थ्रू तो यहाँ पर ये जो प्रमो प्रमोशन का प्रोसेस है ये थोड़ा सा स्लो है बट इन माय केस आई वांटेड टू प्रिपेयर फॉर माय फर्दर स्टडीज़ एंड मुझे बिल्कुल इस चीज़ को बॉडर करने की ज़रूरत नहीं थी एंड अगर कोई सेम सिचुएशन में है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एंड यू कैन गेट जॉब ऑफ योर चॉइस है ना हमको इस बारे में नहीं सोचना है कि सिक्स ईयर्स आपको यहाँ पर प्रमोशन में लगने वाले हैं और दूसरी बात ये भी है कि आप ऑफिसर स्केल टू के लिए प्रिपेयर करिए आईबीबीएस के एग्जाम के थ्रू एग्जाम देने के लिए आप इंटरनल एग्जाम के भरोसे ना बैठ के अगर टू इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद आईबीबीएस जब आरआरबी के नोटिफिकेशंस रिलीज करता है तो साथ ही साथ उसमें वन स्केल स्केल टू और स्केल थ्री के लिए भी रिलीज की जाती हैं वैकेंसीज तो वहां पर जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तब आप स्केल टू ऑफिसर बन सकते हैं यहाँ स्केल वन के सिर्फ टू ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद ही आप एलिजिबल हो जाएंगे तो आपके माइंड में एस्पायरेशंस जो होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए ठीक है आपको ये प्रमोशन के बारे में नहीं सोचना है और ये जो करेंट सिनेरियो है मेरा एक दूसरा रीजन बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट रीजन ये रहा है टू कीप माई जॉब सेफ एंड सिक्योर आई मूव टू आर बिकॉज एज यू नो आई वर्क इन सी आर जी बी दैट इज छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ओके आई बिलोंग टू छत्तीसगढ़ एम गॉड पोस्टिंग इन सी आर जी बी द वन एंड ओनली ग्रामीण बैंक इन छत्तीसगढ़ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इट्स स्पॉन्सर बैंक इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इट्स साउंडस सेफ टू मी ओके इट्स स्पॉन्सर बैंक इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर फ्यूचर इट्स साउंड सेफ टू मी तो ये मेरा एक रीजन रहा है ठीक है तो हमने क्या क्या रीजन डिस्कस कर लिए हैं यूनियन बैंक को लीव करने के एज अ क्लर्क मैंने यूनियन बैंक को छोड़ा एंड मैंने आर आर बी पी ओ ज्वाइन किया अब आप यही समझिए कि अगर मैं यूनियन बैंक में पी ओ होती तब मैं आर आर बी नहीं ज्वाइन करती एज आ पी ओ है ना हम ऑलरेडी पी ओ बन चुके हैं वहाँ पर अलाउंसेस भी ज़्यादा होते हैं ठीक है थीके? वैसे सैलरी बिल्कुल सेम है और बाईपार्टाइट एग्रीमेंट के बाद ये अलाउंसेस भी हो जाएंगे बट पे एंड अलाउंसेस को साइड हटाकर अगर आप देखेंगे तो भी Uh, यहाँ पर नेशनलाइज बैंक ऑफ पीओ को ही कोई प्रेफर करेगा जबकि वो वर्क कर रहा है वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस भी मिल चुका है तो कोई भी आरआरबी पीओ की तरफ मूव नहीं करेगा बट आई वाज अ क्लर्क देयर ओके सो कैडर इंक्रीज करने के लिए पे इंक्रीज करने के लिए आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है सोसाइटी में आईव ऑलवेज बीन अ सिविल सर्विस सर्विस एस्पायरेंट ये आपको पता होना चाहिए कि मेरा एक रीज़न ये है कि आइव ऑलवेज बीन अ सिविल सर्विस एस्पायरेंट दे वॉज ऑलवेज़ अ डिज़ायर टू सर्व रूरल पीपल विच आई एम डूइंग नाव ठीक है तो एक क्लर्क अगर मैं यूनियन बैंक में थी वहाँ से अगर मैं पी ओ बन रही हूँ और मुझे उस डिज़ायर को सर्व करने का भी मौका मिल रहा है डिज़ायर हम मेरा फुलफिल करने का मौका मिल रहा है कि मैं रूरल पीपल को सर्व कर सकूँ तो वो मेरी एक चॉइस थी ठीक है यहाँ पर अगर आप एक पासबुक भी प्रिंट करके दे देंगे जो ग्रामीण लोग होते हैं वो अगर आप एक पासबुक भी अच्छे से प्रिंट करके दे देंगे ना तो आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है और आपकी सोसाइटी में भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट होती है आपके वो रूरल एरियाज के ब्रांच के लोगों के बीच में भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट होती है ओके okay? सो so, ये रीज़न था एंड ऑल्सो टू गेट टाइम फॉर फर्दर स्टडीज एस्परेशन हमेशा से हाई रखने चाहिए किसी को भी प्रमोशन्स के बारे में नहीं सोचना है स्केल टू के लिए आपको आई के थ्रू प्रिपेयर करना होता है एंड ऑल्सो आई वॉन्टेड टू गो फॉर नबार्ड आर बी आई से बी एक्सेट्रा इन फ्यूचर सो आई वॉन्टेड टाइम फॉर स्टडीज ठीक है थोड़ा शांत दिमाग से और जहां पर मेरी पोस्टिंग हुई है लकीली आई एम जस्ट एट किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई होम तो मैं घर पर रह के कर इजिली प्रिपेयर कर सकती हूँ ओके सो दीज वेर माई रीजन फॉर लिविंग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड ज्वाइनिंग आर आर बी अगर हम स्टेट बैंक को ज्वाइन करने की ज्वाइन ना करने की बात करते हैं आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड स्ट्रेटेजी क्लैरिकल लिए और वहाँ पे मैंने आपको ये भी शेयर किया है कि आई वॉज सिलेक्टेड एज एस बी आई जूनियर एसोसिएट एंड आई गॉट अपॉइंटमेंट लेटर ऑल्सो दिसंबर में रिजल्ट आया था सो आई वॉज वर्किंग इन यूनियन बैंक दैट टाइम सो ये मेरे रीजंस जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नहीं ज्वाइन करने के थे वो ये थे कि आई वाज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर पीओ दैट टाइम ओके प्री uh, एग्जामिनेशंस हो चुके थे आर आर बी के एंड आई वॉज डेडिकेटेडली प्रिपेरिंग फॉर प्री ओ एग्जामिनेशन एंड इज एक तो यूनियन बैंक आप छोड़ो आपको लीव लेकर बहुत सारा सब कुछ करना होता है ठीक है कभी आपको प्री का एग्जाम देना है कभी मेंस का कभी यहां जाओ कभी वहां जाओ तो वाई टू वेस्ट टाइम कि आप एक बार एसबीआई को आप एक्सेप्ट कर लो मन में आपके ऑलरेडी है कि आपको पीओ बनना है बट आप फिर एक क्लर्क को छोड़कर दूसरे क्लर्क को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके बाद जा रहे हैं हम उसके डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन को डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन कराने फिर उसके बाद ये सारी चीजें शिफ्ट करना यहां से वहां कहाँ पोस्टिंग मिलती है ये सारी चीजों बहुत टाइम वेस्ट होगा एंड ऑब्वियसली आई हैड इन माय माइंड कि बहुत पॉजिटिवली कि आई विल क्लियर पीओ दिस टाइम आइदर आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ सो फिर से हमें शिफ्ट करना होगा फिर से सब कुछ होगा फिर से बहुत टाइम वेस्ट होगा एंड ये इन सब चीजों के वजह से मेरे पीओ की प्रिपरेशन में भी हैम्पर होता इसलिए मैंने एसबीआई नहीं जॉइन किया बिकॉज़ मुझे पीओ जॉइन करना ही था ठीक है एंड एसबीआई क्लर्क में वर्कलोड इज अ बिट हाई वी ऑल नो एंड आप अगर आर आर बी कर रहे हैं और आपको बिल्कुल पता है कि आप बनने वाले हैं ठीक है ऐसा मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह रही हूँ तो इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं समझिएगा आई वॉज प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड एंड आई है आई हैव गि आई बी पी एस पी ओ और आर आर बी पी ओ भी एक साथ ही प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे ये था कि किसी एक में ज़रूर हो जाएगा ठीक है तो एस बी आई क्लर्क लोअर कैडर है तो पी uh, ओ के कंपेरिजन में तो उसमें क्यों जाना और हाई वर्क लोड भी है तो क्यों जाना ये मैंने सोचा और दूसरी बात ये कि अगर एस बी आई अगर एस बी आई क्लर्क और किसी और आ, पीओ में अगर हमें चूज करना होता है ना समझ लीजिए बैंक ऑफ इंडिया पीओ अगर मेरा सिलेक्शन भी हो जाता तो भी आई वुड चूज एसबीआई क्लर्क बिकॉज वहां पर वो साउंड सेफ साउंड करता ठीक है तो क्योंकि ऑब्वियसली वी नो कि एस जो है वो बिल्कुल सेफ है प्राइवेटाइजेशन सिनारीयो से तो अगर आपको उस रिस्पेक्ट में देखना है तो वहाँ पर मैं एस ही चूज़ करती बट जहाँ पर आर आर में हम ज्वाइन कर रहे हैं स्पॉन्सर बैंक एस है तो हम क्यों ना छोड़ें है ना तो ये सारी मेरी जो थी रीजंस थी एसबीआई नहीं ज्वाइन करने की और एसबीआई में स्टार्टिंग में मेजोरिटी टाइम्स ये होता है कि रूरल पोस्टिंग दे, दे दी जाती है और अगर मैं उस समय अपने यूनियन बैंक से कंपेयर करूं तो वहां पर मुझे बहुत ही ज्यादा सेफ फील हो रहा था हर हर चीज में ठीक है आई वॉज इन एन अर्बन ब्रांड सब कुछ बहुत अच्छा था तो आई आई uh, मेरा कोई विश नहीं था उसको लीव करने का अब लास्टली आई वुड लाइक टू से दैट इन नो वे आई एम सेंग एनी थिंग नेगेटिव कुछ भी मैं नेगेटिव नहीं कर रही हूँ किसी भी बैंक के बारे में यूनियन बैंक स्टेट बैंक ऑब्वियसली इट्स द नंबर वन बैंक वी ऑल नो ठीक है इट वाज जस्ट माय सर्कमस्टेंसेज माय सिचुएशंस जिसकी वजह से मैंने इनको ना चूज करते हुए आरआरबी को चूज किया है ठीक है तो ये सारी सा, सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी है ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे नेशनलाइज बैंक्स में पीओ हैं तो मैं आरआरबी पीओ ज्वाइन करने बोल रही हूँ सब कुछ आपके ऊपर है सब कुछ आपके विश के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है तो ये हो गया हमारे रीजंस अब हम बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में तो आपको पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपको पीओ के लिए डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन लेना होता है उससे पहले ही आप अगर पहले से वर्किंग है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वहां से आपको रेजिग्नेशन लेटर लेना होता है ठीक है तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन जो है वो कंप्लीट कहलाएगा सो डॉक्यूमेंट वेरफिकेशन से पहले ही मैंने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया मतलब एक नोटिस अपनी तरफ से दे दिया ताकि नवंबर में, में, में ही ज्वाइनिंग हुई थी ठीक है तो प्रोबेशन पीरियड में आपको फोर्टीन डेज का सर्व करना होता है और अदरवाइज कुछ ज्यादा होता है ठीक है मंथ्स में होता है तो यह है कि मैंने 14 डेज पहले नोटिस पीरियड करके एक एप्लीकेशन दे दिया और उसके बाद प्रोसेस uh, नोट आपको आता है आर की तरफ से उसको आपको भर करके जमा करना होता है और 14 डेज बाद आपको रिज, रिजाइन कर दिया जाता है ठीक है रिलीफ कर दिया जाता है फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक अलग वीडियो आएगी कि वहाँ पर क्या कैसा प्रोसीजर होता है वहाँ पर पेंडिंग हो गया मेरा रेजिग्नेशन लेटर ठीक है तब तक क्योंकि नहीं आया था मेरा जब डेट आया डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन का तो तब तक रेजिग्नेशन लेटर मुझे नहीं मिला था तो वो पेंडिंग हो गया ठीक है फिर फाइनली मुझे अपना रेजिग्नेशन लेटर अपने फोर्टीन डेज को नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद मिल गया रेजिग्नेशन लेटर एंड आई सबमिटेड इट टू सी हेड ऑफिस थ्रू मेल है ना उसके बाद मुझे पोस्टिंग ऑर्डर तुरंत आ आ गया विया मेल मेल के थ्रू आपको पोस्टिंग ऑर्डर मिल जाएगा ठीक है तो वहाँ पे पोस्टिंग ऑर्डर में हमें आरओ अलॉट किया जाता है सिर्फ आपका रीजनल ऑफिस कि आपको इस रीजनल ऑफिस को रिपोर्ट करना है इस पर्टिकुलर डेट को इस डेट तक आपको रिपोर्ट करना है किसी भी दिन और अभी जो कोविड का सिचुएशन था लॉकडाउन का सिचुएशन तो थो थोड़ा पोस्टपोन हुआ ये सारी चीज़ें फाइनली मैंने रिपोर्ट किया आर में और उसी दिन मुझे ब्रांच भी अलॉट हो गया आर में रिपोर्ट करते हैं आपको वहाँ पे कुछ फॉर्म्स भरवाया जाता है और वो फॉर्म्स वगैरह फिलअप करने के बाद थोड़ा आपको टाइम लगता है वहाँ पर उसके बाद आपको ब्रांच अलॉट कर दिया जाता है दैट मीन दैट मीन्स आपको एक पोस्टिंग ऑर्डर आपकी मिल जाती है ओके okay? तो जब मुझे पोस्टिंग ऑर्डर मिल गई उसमें लिखा हुआ था आगे के दो तीन दिन लगभग के लिए कि आपको इस दिन से पहले तक ज्वाइन कर लेना है मैंने आर विजिट करने के जस्ट नेक्स्ट डे ही मैंने आर आर ज्वाइन कर लिया इट वॉज जस्ट एट किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई होम तो आप कह सकते हैं कि मुझे होम पोस्टिंग मिली है एंड डेली अप डाउन करती हूँ मैं और ट्वेंटी uh, वन अप्रैल को मैंने फाइनली ज्वाइन कर लिया ठीक है सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो यहाँ पर हमने रीजंस देखा है कि क्यों मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया छोड़ करके आर आर बी ज्वाइन किया है एंड इन नो वे आई एम टेलिंग एनी थिंग नेगेटिव अबाउट दीज बैंक एंड इन नो वे आई रिग्रेट माई डिसीजन ओके सो थैंक यू थैंक यू सो मच दिस इज साबिरुखसार साइनिंग ऑफ सी ऑल इन अवर नेक्स्ट सेशन टिल देन स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ट कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग